एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एकेडमिक लेक्चर्स। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स परमुटेशन, ठीक है, और सिमेट्रिक ग्रुप जिसको हम क्या परमुटेशन ग्रुप भी कहते हैं। तो जो सब ग्रुप हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियो शायद आपने देख भी ली होगी, अगर आपने नहीं देखी है तो जो सब ग्रुप की प्रीवियस वीडियो है वहां जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। उससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए परमुटेशन क्या है, ठीक है। परमुटेशन क्या है कि जब कोई मैपिंग, ठीक है, कोई भी सेट है ए, अगर उसकी मैपिंग उसी सेट के साथ है तो वो क्या हो जाएगा, परमुटेशन। क्लियर है, छोटी क्लासेस में हम कर भी चुके हैं कि परमुटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट, कि किसी भी चीज को हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन कर लेते हैं, लेट ए बी ए फाइनाइट सेट, एक ऐसा होना चाहिए सेट, फाइनाइट सेट, मोड ऑफ ए इज इक्वल टू एन, मेन जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, एन एलिमेंट्स, देन एनी वन वन एंड ऑन टू मैपिंग। मैपिंग क्या है, कोई सेट है ए, ठीक है, उसकी मैपिंग क्या है, उसी सेट के साथ होनी चाहिए, यानी इनटू इटसेल्फ, कोई मैपिंग एफ, ठीक है, एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू ए, यानी क्या है, खुद के साथ है, लेकिन मैपिंग कैसे होनी चाहिए, वन वन एंड ऑन टू, यानी बाइजेक्टिव, क्या है, वन वन एंड ऑन टू। क्लियर है, ये तो आपको क्लियर होगा, वन वन एंड ऑन टू। क्लियर कि ऑन टू मीन्स कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या है, जिसकी क्या है, इमेज, ठीक है, यानी जिसकी प्री इमेज ना हो, यानी हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। वन वन मीन्स कि एक एलिमेंट की एक इमेज, ठीक है, ये तो ये क्या है, वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए। क्लियर, तो यहां से ए क्या है, कोई फाइनाइट सेट है जिसमें एलिमेंट है एन, एन किस सेट पे हो सकते हैं, ए वन ए टू अप टू ए एन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, एन है, तो सेट आपका क्या है, सेम है, तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, ए एन। अगर कोई भी सेट उसकी मैपिंग खुद के साथ है, और कैसे मैपिंग, वन वन एंड ऑन टू, तो ये क्या हो जाएगा, परमुटेशन, क्या हो जाएगा, परमुटेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई तरह से कि यहाँ पर अरेंजमेंट कि ए वन ए वन है इसकी इमेज, ए टू की ए टू, ए एन ए एन, ठीक है, डिफरेंट इमेज भी हो सकती है कि ए वन की इमेज ए टू, यानी बहुत जितने भी अरेंजमेंट, यानी बहुत सारे परमुटेशन इसमें बन सकते हैं। क्लियर, क्योंकि जब हम सिमेट्रिक ग्रुप करेंगे तो पहले आपको क्या है, परमुटेशन क्लियर होना जरूरी है। क्लियर, नेक्स्ट आपका है सिमेट्रिक ग्रुप, या इसको हम बोल देते हैं परमुटेशन ग्रुप। क्लियर, सेट ऑफ ऑल वन वन एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स टू इटसेल्फ फॉर्म ए ग्रुप, कि जब ये मैपिंग है, कोई भी सेट ए जब क्या खुद के साथ मैपिंग बनाता है, और कैसी मैपिंग, वन वन एंड ऑन टू, अगर ये ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है, क्या फॉर्म करता है, ग्रुप, ग्रुप फॉर्म करने का मतलब है चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी को, सेकेंड एसोसिएटिव भी होना चाहिए, थर्ड वन इज इसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और हर एक एलिमेंट का क्या है, इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये जो आपका है वन वन एंड ऑन टू मैपिंग, अगर एक ग्रुप है चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो एक ऐसा ग्रुप हो जाएगा, सिमेट्रिक और परमुटेशन ग्रुप, ठीक है। अब सिमेट्रिक ग्रुप में हमें क्या, सेट, सेट मीन्स कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल वन वन एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू ए, कि कोई मैपिंग ए टू ए है, कि जितने भी वन वन एंड ऑन टू मैपिंग इसमें होंगे उन सभी की कलेक्शन क्या होगी, एस एन, मीन्स ये क्या होगी, सिमेट्रिक ग्रुप, और किसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एस एन, द एलिमेंट्स ऑफ एस एन इज कॉल्ड परमुटेशन, उसमें जो एलिमेंट्स बनेंगे, क्योंकि ये क्या है, कलेक्शन है बहुत सारे परमुटेशन की, तो एक एक जो उसके एलिमेंट है वो क्या होंगे, परमुटेशन होंगे। क्लियर, यहां से है ऑर्डर ऑफ एस एन, कि जो सिमेट्रिक ग्रुप का ऑर्डर है वो क्या होगा, जो एन है इसका एन फैक्टोरियल, क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप इज एन फैक्टोरियल। क्लियर, यहां से कि एस एन क्या है, इस टाइप का है, तो एस एन किस, इसमें एलिमेंट होंगे एस, यहां पे एलिमेंट क्या है, ए वन ए टू अप टू ए एन, तो इसमें क्या बनेगा, एफ की इमेज एफ ऑफ ए वन, वैल्यू से कुछ भी हो सकती है, ए वन ए टू ए एन मीन्स ए वन की इमेज, क्योंकि मैपिंग क्या, एफ,
ए वन की इमेज क्या होगी, एफ ए वन, एफ ए टू की इमेज एफ ए टू, और ए वन की क्या हो जाएगी, एफ ए एन, वेयर एफ बिलोंग्स टू एस एन, इस एस एन से बिलोंग करता है। क्लियर है ये, यानी जो मैपिंग है वो किस में बिलोंग करती है, एस एन में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसकी इमेज है एफ ए वन, ए टू के एफ ए टू, और ए एन की क्या हो जाएगी, एफ ए एन। ठीक है, विद एग्जाम्पल्स हम करेंगे। फर्स्ट हम करते हैं व्हेन एन इज इक्वल टू वन। ठीक है, एन इज इक्वल टू वन मीन्स इसमें सिंगल एलिमेंट होगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं, क्योंकि एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वन टू थ्री अप टू सो ऑन। तो फर्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं व्हेन एन इज इक्वल टू वन, मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, एस वन, एन वन है, मीन्स इसमें क्या होगा, जो मैपिंग है उसमें क्या है, एक ही एलिमेंट है। ये यहाँ पे सेट है ए, और ये भी क्या है, सेट ए, यहाँ पे वन, तो यहाँ भी क्या है, वन, और इसकी मैपिंग कितने परम्यूटेशन होते हैं, सिंगल, कि वन की क्या इमेज कहाँ होगी, वन ही होगी। ठीक है, तो एस वन में कौन से, और ये क्या आइडेंटिटी एलिमेंट, तो कौन से कितने एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, परम्यूटेशन, सिंगल आइडेंटिटी। क्लियर है, एस वन में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। और यहाँ फॉर्मूला से हम देखें कि ऑर्डर ऑफ एस वन इज इक्वल टू वन फैक्टोरियल, और वैल्यू ऑफ वन फैक्टोरियल इज वन। ऑर्डर ऑफ एस वन यहाँ से हम देख भी सकते हैं क्या, वन, और अगर हम फाइंड आउट करें वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल ही होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं एस टू, व्हेन एन इज इक्वल टू टू, एस टू के एलिमेंट देख लेते हैं कौन कौन से परमुटेशन इसमें है। व्हेन एन इज इक्वल टू टू मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, एस टू, तो यहां पे जो मैपिंग होगी, ये एलिमेंट ए, और ये भी हमने लिया एलिमेंट ए, तो दो ही नंबर है इसमें, वन एंड टू, यहाँ भी क्या है, वन और टू, यानी कितनी वन वन एंड टू मैपिंग हो सकती है। एक तो पॉसिबिलिटी है कि वन की इमेज क्या हो, वन, और टू की इमेज टू। ठीक है, अगर उसकी इमेज, वन की इमेज वन है, टू की इमेज टू है, तो ऐसा परम्यूटेशन क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या होता है, अगर उसकी क्या है, इमेज वो खुद है, वो नंबर क्या है, जैसे वन की इमेज क्या, वन, टू की इमेज टू, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। क्लियर है ये आपको, कि जब वन की इमेज वन, टू की इमेज टू, थ्री थ्री, फोर फोर, तो ऐसा परम्यूटेशन क्या होता है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। मीन्स एक तो पॉसिबिलिटी है, क्या है इसमें, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, आई। ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसकी, जब इसमें दो एलिमेंट है सेट ए में, वन एंड टू, यानी वन की इमेज वन तो हम ले चुके हैं, टू की इमेज टू, एक पॉसिबिलिटी वन की इमेज टू एंड टू की इमेज वन, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वन टू, मीन्स वन की इमेज टू एंड टू की इमेज वन। ठीक है, तो सेकेंड परमोटेशन क्या आ गया, वन टू। अब हमारे पास क्या है, ये परमोटेशन की आइडेंटिटी, सेकेंड परमोटेशन है वन टू, इनकी कलेक्शन हम लें, क्योंकि जब सिमेट्रिक बात करते हैं ग्रुप की, तो क्या ले रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल वन वन एंड ऑन टू मैपिंग, तो ये भी क्या, वन वन एंड ऑन टू मैपिंग, ये भी क्या है, वन वन एंड ऑन टू मैपिंग। ठीक है, यानी दो मैपिंग है, इनकी कलेक्शन हम लेंगे एस टू में, वो बन जाएगा आपका सिमेट्रिक ग्रुप। तो यहाँ पे एस टू की अगर हम बात करें, एस टू में जो एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे, एस टू इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और सेकेंड परमुटेशन क्या होगा, वन टू, मीन्स यहाँ पे परमुटेशन का मतलब है वन की इमेज टू है और टू की इमेज वन है। क्लियर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां से काउंट भी कर सकते हैं वन एंड टू, क्योंकि जब एन की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल, तो काउंट करना बहुत इजी होता है। ठीक है, वहां पे चाहे फॉर्मूला यूज करो या वैसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे एन की वैल्यू क्या है, इंक्रीज होती जाएगी, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर, तो यहां से क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एस टू, ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप एस टू क्या हो गया, टू, यहां से वैल्यू आई इसकी, टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू टू। क्लियर है, अगेन वी टेक एग्जाम्पल ऑफ एस थ्री, यानी व्हेन एन इज इक्वल टू थ्री, तो यहां से हम पॉसिबिलिटी देख लेते हैं और वैल्यू देखते हैं क्या क्या एस थ्री की आती है। एस थ्री में, क्योंकि जब बात करें एस थ्री, यानी एन की वैल्यू क्या है वहां पे, थ्री, तो जो मैपिंग होगी
ए और ए, वन टू थ्री, वन टू थ्री। एक तो मैपिंग है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, वन की इमेज वन, टू की इमेज टू, थ्री की इमेज थ्री। क्लियर है? और क्या हो सकते हैं? वन टू थ्री, यानी एस थ्री में एक तो क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। सेकेंड वन टू थ्री, यहां से वन को क्या है फिक्स रखते हैं कि वन की इमेज वन और टू की इमेज थ्री और थ्री की इमेज टू, ठीक है। तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि वन की इमेज तो वन है, ये हो जाएगा टू थ्री, मीन्स यहां से टू की इमेज थ्री और थ्री की इमेज टू, तो सेकेंड परम्यूटेशन क्या आ गया, टू थ्री। नेक्स्ट लेते हैं, वन टू थ्री, वन टू थ्री, मीन्स यहां से टू को फिक्स किया, वन की इमेज थ्री एंड थ्री की इमेज वन। क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, वन थ्री, क्या आ गई, वन थ्री, मीन्स टू आपका फिक्स है, वन की इमेज थ्री और थ्री की इमेज वन, तो ये हमारा हो गया वन थ्री। क्लियर? इसको हम रब कर लेते हैं और जो नेक्स्ट जो परमोटेशन है फाइंड आउट करने के लिए। क्या क्या परमुटेशन होंगे, यहां से सेट हमने लिया कोई ए, ठीक है, इसकी मैपिंग एफ ही है, ये है वन टू थ्री, वन टू थ्री, और क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, थ्री को हमने फिक्स किया, वन की इमेज टू एंड टू की इमेज वन, तो ये परमुटेशन क्या बनेगा, वन टू, क्या बन गया, वन टू, ठीक है। एक और ले लेते हैं हम, वन टू थ्री, वन टू थ्री, अब हम फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि तीनों हमने जो भी पॉसिबिलिटी थी फिक्स वाली वो हम कर चुके हैं, कि वन की इमेज क्या है टू, और टू की इमेज क्या है थ्री, और थ्री की इमेज क्या हो गई वन। मीन इसको कैसे लिखेंगे, वन और वन की इमेज क्या है टू, टू की इमेज क्या है थ्री, और क्या है थ्री की इमेज वन, तो ये क्या हो गया वन टू थ्री, क्या बन गया परमोटेशन, वन टू थ्री। तो यहां से जो इसके मेंबर बने और क्या बन गए, थ्री हमारे हो चुके वन टू, ये यहां से, और यहां से क्या हो गया वन टू थ्री। अब और क्या पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी और रह गई है, यहां से वन टू थ्री, ये क्या है वन टू थ्री, यहां से वन की इमेज टू ले चुके, अब हम लेंगे वन की इमेज थ्री, थ्री की इमेज टू और टू की इमेज वन, तो ये पॉसिबिलिटी क्या आ गई, वन, वन की इमेज थ्री और थ्री की इमेज टू और टू की इमेज वन, तो ये एलिमेंट हो गया वन थ्री टू। क्लियर? मीन्स इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, और कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। आप करके भी देख सकते हैं कि ये हमारी क्या है, सिक्स पॉसिबिलिटी इसमें है, ठीक है, कि वन वन एंड ऑन टू मैपिंग इन एस थ्री इज सिक्स, ठीक है। कौन कौन सी बनी, आइडेंटिटी एलिमेंट टू थ्री, वन टू, वन टू थ्री, वन थ्री टू। क्लियर है? अगर हम ऑर्डर यहां से फाइंड आउट करें, काउंट कर सकते हो कितने परमुटेशन है, क्योंकि जो इनके एलिमेंट है, ठीक है, उसको यहां से हमने किया था, एलिमेंट ऑफ एस एन इज कॉल्ड परमुटेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी परमुटेशन, ये है टू थ्री, वन थ्री, क्या है परमुटेशन। तो नंबर ऑफ परमुटेशन या ऑर्डर ऑफ एस एन क्या हो गया, जो इसके एलिमेंट्स, उसको हम बोलते हैं परमुटेशन। क्लियर है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स हो गया, और बाय यूजिंग फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एस थ्री इज इक्वल टू थ्री फैक्टोरियल इज इक्वल टू सिक्स। क्लियर है ये आपको? आगे हम क्या एस फोर एस फाइव की हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन क्या है वो हमारे लिए कि हमें लेंथ ही पड़ेगा, तो उसके लिए मैं एक बहुत ज्यादा एक ट्रिक कह सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप हाँ उसके किसी भी ऑर्डर का, कि यहाँ क्या है इसका ऑर्डर टू है, यहाँ पे इसका परमुटेशन का ऑर्डर क्या है थ्री, तो उस परमुटेशन की में जो ऑर्डर है वन टू थ्री या जितने भी ऑर्डर है, कैसे हम उसके एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एन। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला है ये, आप याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हाँ जी, ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एन या ऑर्डर आर इन एस एन, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? एन सी आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। क्या फॉर्मूला है ये? एन सी आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। जैसे अभी हमने एस थ्री किया, एस थ्री में जो परमुटेशन थे एलिमेंट्स क्या क्या थे? आई वन टू वन थ्री टू थ्री। परमुटेशन के बीच में कभी भी हम कोमा यूज नहीं करते, ठीक है? टू थ्री वन टू थ्री और वन थ्री टू, ठीक है? अगर हमें क्या है, ये हमने मैपिंग नहीं करनी, डायरेक्ट हमें देखना है कि ऑर्डर टू के कितने परमुटेशन है, ऑर्डर थ्री के कितने परमुटेशन है, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? थ्री। अगर हमें देखने हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू इन एस थ्री, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे एन इज इक्वल टू थ्री और ऑर्डर टू निकाल रहे हैं, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू। मीन्स ये क्या हो जाएगा? थ्री सी टू इंटू आर माइनस वन, टू माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये क्या होता है? थ्री फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री माइनस टू वन फैक्टोरियल इंटू ये वन फैक्टोरियल। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई? सिक्स बाई टू इक्वल टू थ्री। काउंट कर सकते हैं वैल्यू क्या? वन टू थ्री, थ्री है, ठीक है? और यहां से कि जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर थ्री इन एस एन, कि जो ऑर्डर थ्री है जिनका, वो कितने परमोटेशन है, कितने एलिमेंट्स है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्योंकि तो यहाँ पे आर की वैल्यू भी थ्री और एन की वैल्यू भी थ्री, थ्री सी थ्री, थ्री माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है? इसकी वैल्यू क्या होती है? वन। क्या होगी? वन। तो थ्री माइनस, क्योंकि थ्री सी थ्री, ठीक है, एन सी एन की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? वन। तो ये आपका क्या हो, किसके इक्वल आ गया? वन इंटू टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू टू। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर थ्री इज टू, ठीक है, यानी टू है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम किसी भी ऑर्डर के एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। अगर हम एस फोर की बात करें, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या है, एस फोर की मैपिंग, क्योंकि वहां पे जो ऑर्डर है एस फोर का क्या हो जाएगा? फोर फैक्टोरियल, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 24। फाइव की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइव फैक्टोरियल 120। तो एग्जाम में सिर्फ इतना था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर दिस कितने हैं, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि एस फोर की बात करें, एस फोर में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एस फोर में फोर एलिमेंट्स होंगे, मीन्स उसके जो परमुटेशन एलिमेंट्स होते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? फोर होंगे, क्लियर? तो वहां से इसका ऑर्डर क्या होगा? वन टू थ्री एंड फोर। परमुटेशन का ऑर्डर एस फोर में क्या होगा? वन ऑर्डर का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, टू थ्री एंड फोर, क्लियर? तो यहां से हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर वन निकाल सकते हैं, ऑर्डर टू थ्री एंड फोर। वन निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वन में तो वन ही होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? वन, बाकी किसी एलिमेंट का ऑर्डर वन नहीं होता। यहां से हम निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू इन एस फोर, किसकी बात कर रहे हैं? एस फोर, और ऑर्डर ऑफ एस फोर इज इक्वल टू फोर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। क्लियर है ये आपको? यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू निकालना है, क्या हो जाएगा ये? क्योंकि एन की वैल्यू फोर है, फोर सी टू इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, टू माइनस वन फैक्टोरियल। तो यहां से वैल्यू क्या आई? फोर फैक्टोरियल, फोर माइनस टू टू फैक्टोरियल, और टू फैक्टोरियल इंटू टू माइनस वन वन फैक्टोरियल। 24 अपॉन फोर, तो वैल्यू क्या आ गई? सिक्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर टू इन एस फोर कितने हैं? सिक्स। ये आप करके, यानी जो है सोल्व करके भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें थ्री, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर थ्री इन एस फोर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से क्या है, एन की वैल्यू है आपकी फोर, फोर सी थ्री इंटू आर माइनस वन, थ्री माइनस वन फैक्टोरियल। तो यहां से क्या आ जाएगी? फोर फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू वन फैक्टोरियल, और यहां से थ्री माइनस वन टू फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया? 24। थ्री फैक्टोरियल वैल्यू क्या? सिक्स, और ये है टू, फोर, तो वैल्यू क्या आ गई? एट। यानी ऑर्डर ऑफ थ्री है,
कितने हैं? 8। आप ऑर्डर ऑफ 4 निकाल सकते हैं, ठीक है, यही से फॉर्मूला का यूज करके। S4 की बात कर रहे हैं हम, ऑर्डर 4 इज इक्वल टू 4C4 इंटू 4-1 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, और 3 फैक्टर में 6, तो यहां से क्या आ गए? 6। कितने आ गए? 6। क्लियर है ये? यानी सॉरी, यहां से और 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 24। क्लियर? यानी ऐसे क्या आप इसके जो एलिमेंट्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो स्टूडेंट्स, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर हम S5 की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 120 होंगे, वहां पर जो परमुटेशन का मैक्सिमम ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 5, क्योंकि उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो परमुटेशन जो मैक्सिमम है उसकी जो लेंथ है वो क्या हो सकती है? 5। तो वहां पे जो ऑर्डर होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी जो परमुटेशन बनेंगे उनका ऑर्डर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है आइडेंटिटी एलिमेंट का, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 एंड 5। क्लियर है? यानी इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्या है उस ऑर्डर के कितने एलिमेंट है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स? बहुत इजी फॉर्मूला है और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ हमें फॉर्मूला याद रखना है और हम इजीली क्या है इसके ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, बाय।